हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट। आप इस तरीके से बनाएंगे ना ये ब्रेकफास्ट, ये खाने में बहुत ज्यादा स्वाद बनता है और बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाता है और बड़े और बच्चों को सभी को बहुत पसंद आएगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी सभी मजेदार रेसिपीज आप तक पहुंचती रहे। चलिए ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट कर। हमने लिया है उबला हुआ आलू, ग्रेटर की मदद से आलू को ग्रेट कर लेते हैं। देखिए आलू हमने अच्छे से ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया। अब हम हरा धनिया लेंगे, दो प्याज और कुछ हरी मिर्च, इसे बारीक हम कट कर लेंगे। इसमें हम 100 ग्राम आटा ऐड करेंगे। आपको जितना ब्रेकफास्ट बनाना हो ना, उस हिसाब से आप आटा ले लीजिएगा। नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। एक गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे। पानी डाल के अच्छे से इसका घोल तैयार कर लेते हैं। आटा हम अच्छे से फेटेंगे, इसमें लम्स नहीं रहने देंगे। अब बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे, बारीक कटा हुआ हरी मिर्च ऐड कर देंगे। आप अपने तीखे के हिसाब से कम ज्यादा कर लीजिएगा। बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा हम हल्दी पाउडर ऐड कर देते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अर्धा चम्मच से कम बेकिंग पाउडर डाल देते, इससे ना अपना ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा बनेगा, फ्लफी बनेगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें आलू ऐड कर देते हैं, मैश किया हुआ आलू ऐड कर देते हैं। आलू डाल के अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इसमें हम पानी थोड़ा और डाल देते हैं और एक पेस्ट तैयार करेंगे। जैसे हम डोसा का पेस्ट बनाते हैं ना, उसी तरह हम तैयार करेंगे। देखिए बैटर बनके अपना तैयार हो गया। हम गैस पे हम फ्राई पैन रखेंगे, फ्राई पैन को गर्म होने देते हैं। हम बहुत ही कम ऑयल में ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, अच्छे से ऑयल लगाएंगे चारों तरफ। अच्छे से ऑयल लगा के देखिए बैटर हमें इसी तरह रखना है, इससे ज्यादा हमें पतला नहीं करना है। अब हम कलछी की मदद से बैटर लेंगे, फ्राई पैन में डालेंगे। दो कलछी हम बैटर डालेंगे, बैटर डाल के अच्छे से हम ऐसे फैला देंगे। जैसे हम डोसा बनाते हैं ना, उसी तरह हमें बना देना है। हम फैला दे, गैस हमें एकदम स्लो रखना है, ज्यादा फास्ट नहीं रखना है। अच्छे से फैला के हमें ढक के 1 मिनट तक पकाना है। 1 मिनट हो गया है। अब हम ब्रश की मदद से ऊपर से भी अच्छे से ऑयल लगा लेंगे। अब हम पलटे की मदद से इसे पलटेंगे। अब हम ढक के 1 मिनट इधर भी पकने देते हैं। 1 मिनट हो गया है, अब ढक्कन हम हटाएंगे। ये देखिए कितना बढ़िया ये दोनों साइड पक गया है। अगर आपको कच्चा लगे तो आप उलट पुलट करके पका लीजिएगा। ब्रेकफास्ट बनके तैयार हो गया, किसी थाली में हम गिरा लेते हैं। इसी तरह हम सारे ब्रेकफास्ट बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया है ये ब्रेकफास्ट बनके तैयार हो गया ना, खाने में ये बहुत ज्यादा स्वाद बना है। आप चाहो तो इसे टोमेटो सॉस के साथ भी खा सकते हैं या हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। खाने में बहुत ज्यादा स्वाद बना है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बना है। अगर आपको और भी ब्रेकफास्ट की रेसिपी देखनी है तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए। आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी।